जब भी C-17 किसी दूसरे देश में उतरता है, लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजें आ गई हैं, अब मदद जरूर मिलेगी। देखिए, काम सब करते हैं, बट अगर कोई वो भी प्रधानमंत्री जैसा शख्स अगर आकर आपको प्रोत्साहित करे इस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली आप सबका मनोबल बढ़ता है और आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं आगे से फिर से ये काम करने के लिए। एयरपोर्ट से हम वापस आ रहे थे तो हम सबके आंखों में आंसू थे कि हम वहाँ जो लोगों के साथ बॉन्ड बनाए उनसे जुदा हुए हैं, तो उनको छोड़ते हुए हमें दुख हो रहा था क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे बहुत ही करीबी हैं। हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर जो नेशनल एम्बलम लगा था उसको, उसके नीचे सब लोग चाह रहे थे कि हमारा सेल्फी हो जाए। प्रधानमंत्री का तो मैं पर्सनली एडमायरर हूँ बहुत ही, उनका जो काम करने का तरीका है और उनका जो जितना वो मेहनत करते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं भी उनकी जैसा मेहनत कर पाऊँ अपने देश के लिए। हम लोगों को देखते ही लोग खड़े होकर के स्वागत करते थे और लोगों के आँखों में जो आंसू होते थे वो नज़र आता था कि हम लोगों के जो हमने काम किया है उनको कितना ज़्यादा एक्सेप्ट किया है। हम उनसे रिलेट कर पा रहे थे और वो हमें अपने एक तरह से देवदूत की तरह हम लोगों को देख रहे थे कि जहाँ पर भी ये लोग हैं तो हमारी पूरी तरह से मदद होगी। जब हमारे देश के मुखिया हमको बुला के सम्मानित कर रहे थे, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो मेरे जैकेट पहन रखी थी अपनी वर्दी के यूनिफॉर्म के ऊपर, तो मेरे दाएं साइड में मेरा इंडियन फ्लैग लगा हुआ था जो वर्दी ऊपर, उसमें ऑपरेशन दोस्त लिखा हुआ था, तो बार बार मेरे को वो जैकेट लेने की बोल रहा था कि अपनी जैकेट दे दो। मैंने मना किया कि ये मेरी यूनिफॉर्म है, तो बोला कि आई लाइक योर इंडियन फ्लैग एंड आई रेस्पेक्ट इंडियन फ्लैग। प्रधानमंत्री जी ने जो समय दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और जिस तरह से ये हर चीज़ को लेकर के इतने संजीदा हैं उसको देख करके हमको भी बड़ा उत्साह रहता है कि हम अपने देश का नाम रोशन करें। हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत हमने अर्थक्वेक के 80 घंटे बाद और 104 घंटे के बाद दो बच्चियों को जिंदा रबल्स के बीच में से बचाया, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और वहाँ हमारे काम की और हमारे जो वैल्यू सिस्टम है हमारी सभ्यता की, वो वहाँ पर इतनी तारीफ हुई कि हर कोई चाहता था कि हम किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान से जुड़े। सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्तों डॉग स्क्वाड्स के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। आप सभी पर देश को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी है और ये मंत्र जिस श्लोक से निकले हैं वो बहुत ही प्रेरक है। अयम निजः परोवेति गाना लघु चेतसा, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात बड़े हृदय वाले लोग अपने पराये की गणना नहीं करते। उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है, यानी वो जीव मात्र को अपना मानकर उनकी सेवा करते हैं। साथियों, तुर्की हो या फिर सीरिया हो, पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का एक प्रकार से प्रगटीकरण किया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई संकट आए तो भारत का धर्म है, भारत का कर्तव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। साथियों, प्राकृतिक आपदा के समय इस बात का बहुत महत्व होता है कि सहायता कितनी तेजी से पहुंचाई गई। जैसे एक्सीडेंट के समय गोल्डन आवर कहते हैं, इनका भी एक गोल्डन टाइम होता है।
सहायता करने वाली टीम कितनी तेजी से पहुंची। तुर्की में भूकंप के बाद आप सभी जितनी जल्दी वहां पहुंचे, इसने पूरे विश्व का ध्यान आपकी ओर खींचा है। ये आपकी प्रिपेयर्डनेस को दिखाता है, आपकी ट्रेनिंग की कुशलता को दिखाता है। पूरे 10 दिनों तक जिस प्रकार आपने पूरी निष्ठा से वहां हर चुनौती का सामना करते हुए काम किया, वो वाकई प्रेरणादायक है। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जब एक मां आपका माथा चूम करके आशीर्वाद दे रही है, जब मलबे के नीचे दबी मासूम जिंदगी आपके प्रयासों से फिर खिलखिला उठी, मलबे के बीच एक तरह से आप भी वहां मौत से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वहां से आने वाली हर तस्वीर के साथ पूरा देश गर्व से भर रहा था। वहां गई भारतीय टीम ने प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ जो समावेश किया है वो अतुलनीय है। ये तब और भी बहुत काम आता है जब व्यक्ति ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, जो कोई अपना सब कुछ गंवा कर होश में आने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसी परिस्थितियों में सेना के हॉस्पिटल और उसके हमारे कर्मियों ने जिस संवेदना से काम किया वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है। साथियों, 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था और उसे पिछली शताब्दी का बहुत बड़ा भूकंप माना जाता था, ये तो उससे भी कई गुना बड़ा है। जब गुजरात का भूकंप आया तो मैं बहुत लंबे समय तक वहां एक वॉलंटियर के रूप में बचाव कार्यों में जुड़ा था। मलबा हटाने में जो दिक्कतें आती हैं, मलबे में लोगों को खोजना कितना मुश्किल होता है, खाने पीने की दिक्कत कितनी होती है, दवाइयों से लेकर अस्पताल की जो जरूरत होती है, और मैंने तो देखा था भूज का तो पूरा अस्पताल ही ध्वस्त हो गया था, यानी पूरी व्यवस्था ही तबाह हो चुकी थी, और उसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है। वैसे ही जब 1979 में गुजरात में ही मोरबी में मच्छू डैम जो बांध टूटा और पूरा गांव पानी से तबाह हो गया, पूरा शहर मोरबी तबाही मची थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे, एक वॉलंटियर के रूप में तब भी मैं वहां महीनों तक रह करके ग्राउंड पर काम करता था। मैं आज अपने उन अनुभवों को याद करते हुए कल्पना कर सकता हूं कि आपकी मेहनत कितनी जबरदस्त होगी, आपका जज्बा, आपकी भावनाएं मैं भली भांति फील कर सकता। आप काम वहां करते थे, मैं यहां अनुभव करता था कैसे करते हो।